सत्य पुरुषाय नमः। अथ श्री बोध सागरे श्री ग्रंथ सुल्तान बोध। सुल्तान शाह इब्राहिम अधम साहिब का संक्षेप में चरित्र। शाह इब्राहिम अधम का स्फुट वृतांत। राज्य छोड़ इब्राहिम हुए फकीर, जब राज मुकुट धन दौलत छोड़ दिए थे सब। प्रथम वार्ता। माल खजाना जितना भी था सब दरिया में डुबा दिया था। किसी ने पूछा ये क्या किया, इब्राहिम ने उत्तर दिया, क्रोध ईर्ष्या घमंड होते, इस दौलत से ही सब जगते। संत और बुजुर्ग हैं कहते, कोई बिरले इसे समझते। तुम्हें पसंद जो ना ही होवे, किसी अन्य पे उसे न थोपे। वार्ता द्वितीय। छोड़ के गद्दी अदम चले थे, वन पहाड़ों की ओर चले थे। बेटों को था राज सौंप दिया, वह फिर राज्य करने लग गया। बोरियां और एक प्याला लिया, टाट व गुदड़ी को रख लिया। शाह बलख नगर तब आ गए, मार्ग पर कुछ दूर निकल गए। एक दृश्य नजर था आया, मिट्टी पे सोता पुरुषिक पाया। तभी बोरियों को वहां फेंका, आगे पुरुष एक और देखा। हाथ से पानी पीते देखा, प्याले को फिर वहीं पे फेंका और आगे फिर कदम बढ़ाया। एक दृश्य नजर था आया, सोराह लगा हाथ सिरहाने, फेंक दिया तकिया राजा ने। फिर आगे एक पुरुष था मिला, हाथ से दांत साफ करता था। फिर मिवाक भी वहीं फेंक दिया, राजा फिर आगे को चल दिया। आगे फिर पाया मैदान, वहां पे पहुंच गए सुल्तान। चारों तरफ फिर नजर घुमाई, दूर नजर एक झोपड़ी आई। झोपड़ी के पास वे आए, एक साधु वहां पर पाए। जब सुल्तान वहां पर आए, उस साधु ने वचन सुनाए, यहां रात में रुक नहीं जाना, यहां न पानी यहां न खाना। फिर सुल्तान ने वचन सुनाया, आपको क्यों चिंता ने सताया। प्रेम से बोले फिर सुल्तान, मैं तो जिसका हूँ मेहमान, वो ही मेरी फिक्र करेगा, वो ही पानी भोजन देगा। जो भी किसी के पास आता है, अपना भाग्य साथ लाता है। फिर सुल्तान इतना कहकर बैठ गए, फिर कुछ दूर जाकर एक लोटा जल और दो रोटियां। शाम को उस साधु को मिल गया, फिर उत्तम भोजन वहां आया। किसी ने शाह को वहां खिलाया, फिर अगले दिन शाम जो आई, यही बात फिर गई दोहराई। भोजन दाता जब वहां आया, तो साधु ने वचन सुनाया, आपका भोजन हम नहीं खाते, पक्षपात को तुम अपनाते। मुझको जौ की बस दो रोटियां, उसको उत्तम भोजन है दिया। वो साधु भी मुझ जैसा है, फिर क्यों किया भेद ऐसा है। उस साधु ने शिकवा किया, तो उसको ये उत्तर दिया, तू जिसकी बातें करता है, क्या तू उसको जानता है। वो था एक बादशाह, जो है फकीर आज, मेरे लिए उस शाह ने छोड़े तख्त वताजी।
भी सोच ले तू कैसा था, कैसे समय तेरा कटता था। तू जंगल खोदता घास, एक टका आता तेरे पास, उसे छोड़ तू बना फकीर। तेरे पिता ना दादा अमीर, यदि तू इस पर राजी है ना, अपना ठिकाना और देखना। भक्ति हमारी छोड़ दे अब तू, फिर से घास खोद ले अब तू। अपने मन सत्य ये जान, बैर घमंड से खुदा कमान। कच्चा फल जो भी होता है वो तो डाली पर रहता है, लेकिन फल जब पक जाता है मिट्टी पर आकर गिरता है। दास गरीबी बंदगी सतगुरु का उपकार, मान बढ़ाई गर्व को ढूंढते फिरे गंवारे। मान बढ़ाई जो भी है धर्म का है दरबार, सब जग इसमें फांस के कर दिया है बेकारी। मान बढ़ाई भेद को संत ही पाए जान, पांडवों के यज्ञ में सुपच विराजे आन। माया त्यागना तो सरल, मानना त्यागा जाए। बड़े बड़े ज्ञानी गिरे, मान ही सबको खाए। कबीरा इसी जीवन में दो बातें अपनाए, मान बढ़ाई के लिए सत्य से दूर न जाए। वार्ता तृतीय। इब्राहिम जब जग में फिरते, वे फकीर के वेश में रहते, कोई उन्हें पहचान न पाते। वे कहीं पर भी आते जाते, किसी अमीर ने उन्हें पकड़ लिया, अपने बाग में माली रख लिया। एक वर्ष जब वहाँ बीत गया, मित्रों सहित वहाँ मालिक आ गया। वहाँ के सभी फलों फूलों से शाह कुछ कुछ लाए सबसे। मालिक बेगिन जब वे खाए तो अनार थे खट्टे पाए। मालिक ने माली को बुलाया, खट्टे फल क्यों लेकर आया। इतना सुन बोले सुल्तान, मुझको नहीं कोई पहचान। एक वर्ष है तुमने बिताया, खट्टा मीठा समझ न आया। मैं तो यहाँ बाग रक्षक था, फल खाने का मुझे न हक था। रक्षक यदि भक्षक बन जाए तो रक्षा का नाम मिट जाए। उस मालिक को अचंभा आया, उसने फिर सब जांच कराया। जब उसको ये हो गया ज्ञान, ये तो इब्राहिम सुल्तान। तो उनके पैरों पर गिर गया, उनसे क्षमा मांगने लग गया। तब सुल्तान हंसने लग गए, देव उपदेश वहां से चल दिए। वार्ता चतुर्थ। जब वे राज को छोड़ गए थे, निशापुर जंगल में रहे थे, एक गुफा के अंदर रहते, भजन उसी में रह कर करते। आठवें दिन वे बाहर आते, लकड़ी बेच सामान को लाते। 10 वर्षों तक यही किया था, मन इंद्रियों को जीत लिया था। वहां से अरब को फिर थे चल दिए, एक जहाज पे सवार हो गए। एक अमीर भी बैठा वहां था, कुछ मस्करों को संग रखता था। फिर वे मस्करी करने लग गए,
उस अमीर से कहने लग गए, कोई आदमी यदि मिल जाए तो फिर अपनी बात बन जाए। बोला अमीर अब तुम जाओ, ऐसा कोई ढूंढ के लाओ, रुपए दो रुपए फिर दे देना, उससे काम चला तुम लेना। इब्राहिम के पास में वे सारे थे आए, उनको पागल जान के पकड़ के फिर वहां लाए। अपने बीच उन्हें बैठाया, खूब मजाक उनका उड़ाया, अंत में सी घड़ी ही आ गई, फिर ये आकाशवाणी हो गई। बोलो शाह क्या दंड दे दूं, कहो तो मैं ये जहाज डुबो दूं। इब्राहिम देरिये रख कर ऐसा कहने लगे वहां पर, इनको सद्बुद्धि यदि देते फिर ऐसा ये क्यों यहाँ करते। मेरे लिए इतनी हत्याएं यदि तुम्हें करनी पड़ जाए तो मुझ पापी का क्या जीना, तो प्रभु फिर मुझे ही डुबाना, या फिर इनको ज्ञान दे दो, इनका हृदय शुद्ध कर दो। आशीर्वाद प्रभु ने दिया, सबका हृदय शुद्ध कर दिया, शाह के चरणों में सब गिर गए, उनसे क्षमा मांगने लग गए। शाह ने उनको क्षमा फिर किया, ज्ञान और संतोष दिया। वार्ता पांच। एक बार शमशान में बैठे फिर कोई ये प्रश्न पूछे, अपने राज को क्यों नहीं करते, क्यों मरघट में बैठते फिरते। बोले शाह तुम्हें समझाऊं, चार तरह के मनुष्य बतलाऊं, कोई जीवित यहाँ पे जीता, कोई माँ के पेट में रहता, आना चाहता है यहाँ कोई, यहाँ से चला गया है कोई। जो मर गए हैं उनकी सुन लो, वे कहते सब जल्दी मर लो, ताकि जल्दी प्रलय आ जाए, दुख हमारा छूट ये जाए। जो है गर्भ में उनकी सुन लो, वे भी कहते जल्दी मर लो, जल्दी जग को खाली कर दो, हमारे लिए ये जगह छोड़ दो। सभी भागते और बुलाते, तभी तो अंतिम जगह हम जाते। वार्ता सात। बलक के पास एक बार आ गए, एक जलाशय के पास बैठ गए, उन्हें किसी ने पहचान लिया, उनके पुत्र को सूचित किया। उनके पुत्र ने जब ये सुना था, वही बलक का बादशाह था, समाचार वो पिता का सुनकर पहुंचा नौकर चाकर लेकर। जिसने भी संदेश सुना था, वही वहां को दौड़ चला था, बिजली की तरह खबर दौड़ गई, भारी जनता वहां पहुंच गई। इब्राहिम पर बस गुदड़ी थी, तन की हालत अति दुबली थी, बाप की ऐसी दशा देख कर बोला पुत्र दुखी तब होकर, आपने क्यों ये राज छोड़ दिया, इसका लाभ क्या तुमने है लिया। मखमल फूलों पर सोते थे, दासी दास सेवा करते थे, आपकी हालत देखी न जाती, मुझको घनी शर्म अब आती, आपकी प्रजा आंसू बहा रही, मेरी बात समझ नहीं आ रही। बेटे की ये बातें सुनकर इब्राहिम फिर बोले सोच कर, पहले अपनी कमाई बताना, पीछे मेरी कमाई सुनना। अपने पिता की बातें सुनकर उनका बेटा बोला हंसकर,
बहुत से राज्य जीत लिए हैं और अनेक सुधार किए हैं। जिसको चाहूं गरीब बना दूं, चाहे किसी को अमीर बना दूं, मेरी बात कोई टाल न सकता। शत्रु मेरे नाम से डरता, चाहे किसी को जान बख्श दूं, चाहे किसी का जीवन ले लूं। फिर सुल्तान ने ऐसा किया, तालाब में सुई को फेंक दिया। अच्छा पुत्र काम करा दो, सुई को बाहर निकलवा दो। एक बात का ध्यान रखना, इसी सुई को निकलवाना। फिर बेटे ने वजीर बुलाया, उसको ये आदेश सुनाया। गोताखोर वहां पर आ गए, सब तालाब में अंदर घुस गए। सबने भारी जोर लगाया, पर सुई का पता न पाया। बेटा तेरी यही कमाई, एक सुई भी कहीं न पाई। अपनी कमाई मैं बतलाऊं, तुझको सच्चा ज्ञान कराऊं। इतना कह सुल्तान ने आंखें बंद करी। एक क्षण बाद उन्होंने जब आंखें खोली, तालाब की ओर देखने लग गए। जल के जीव किनारे आ गए, उन जीवों से शाह का कहना, मेरा एक काम तुम करना। फिर सुल्तान की बातें सुनकर सभी जीव प्रसन्न होकर, जो भी आप आज्ञा देंगे हम सब खुशी से वही करेंगे। अच्छा अब सब जल में जाओ, मेरी सुई ढूंढ कर लाओ। जलचर सारे जल में चले गए, शाह की सुई ढूंढने लग गए। तब एक मछली ऊपर आई, मुंह में सुई दबा कर लाई। फिर तो पुत्र चरणों में गिर गया, पिता से क्षमा मांगने लग गया। चारों तरफ जयकारे लग गए, शाह अंतर ध्यान हो गए। वार्ता 8। एक बार वे मक्का जा रहे, वहां के लोग सम्मान को आ रहे। भीड़ से बाहर शाह निकल गए, सबसे आगे चलने लग गए। मक्का के जो महात्मा थे, कुछ उनके अपने सेवक थे। सबसे आगे वे चल रहे थे, शाह की सेवा में जा रहे थे। लेकिन कोई ऐसा ना था, शाह को जो पहचान सके था। सबसे आगे शाह मिल गए, सेवक उनसे पूछने लग गए। ए भाई जरा सुनते जाओ, इब्राहिम का पता बताओ। क्या तुमने उनको देखा है, कितनी दूर उन्हें छोड़ा है। इब्राहिम तब उनसे कह रहे, तुम क्यों उस अधर्मी को ढूंढ रहे। क्रोध में भर गए सेवक सारे, गालियां दीवा थप्पड़ मारे। उनको तू अधर्मी बताता, हमें अधर्मी तू ही लगता। उनके सम्मुख शाह हंस रहे, भैया यही तो हम भी कह रहे। इतना कहकर आगे बढ़ गए, अपने मन से कहने लग गए। सजा मिली तुझे अपने कर्म की, बड़ी खुशी थी अगवानी की। शाह अपने मन को समझाने लगे, इतने में ही लोग सब वहां पे पहुंच गए। आपको देख अचंभित हो गए, आपसे क्षमा मांगने लग गए। तुम मक्का में रहने लग गए,
बहुत से शिष्य आपके बन गए। वे सब तन पे गुदड़ी ओढ़ते, सिर पे टोपी खड़ी पहनते। वार्ता 9। आपने बलक को जब था छोड़ा, आपका एक पुत्र था छोटा। जब वे लड़का बड़ा हुआ था, अपनी माँ से पूछता था, मेरे पिता का पता बताओ, मुझको उनका ज्ञान कराओ। माँ ने सब वृतांत सुनाया, अपने पुत्र को था समझाया। लोग आजकल ये कहते हैं, तेरे पिता मक्का रहते हैं। माता मुझको आज्ञा दे दो, पिता के दर्शन को जाने दो। माता बोली इतना सुनकर, मैं भी चलूंगी पुत्र वहां पर। लड़का फिर डोंडी पिटवाए, जो भी मक्का चलना चाहे अपने साथ मैं ले चलूंगा। मैं ही सबका खर्चा करूंगा, आपके पुत्र वहां पर आए। गुदड़ी वाले साधु पाए, पुत्र ने एक साधु से पूछा, शाह इब्राहिम को क्या देखा। सारे साधु कहने लग गए, गुरुदेव तो जंगल को गए। लकड़ियां लेकर जब आएंगे, उन्हें बेच भोजन लाएंगे। तभी लकड़ियां सिर पर रखकर बूढ़े साधु आए वहां पर। उन्हें देख सुत व्याकुल हो गया, और वहीं पर रोने लग गया। उनके पीछे पीछे चल दिया, इस प्रकार बाजार पहुंच गया। आपने फिर आवाज लगाई, माल हलाल ले लो भाई, माल हलाल मुझसे लेना, माल हलाल मुझको देना। एक आदमी वहां पर आया, अपने साथ रोटियां लाया। उसने लकड़ियां आपसे ले ली, और आपको रोटी दे दी। आप वहां से रोटी लाए, साधुओं के पास में आए। साधु रोटी खाने लग गए, और भजन में आप बैठ गए। आपका शिष्यों को था ज्ञान, एक बात का रखना ध्यान। बिन दाढ़ी मूछों वालों से सदा सचेत रहना, इनसे कभी ध्यान से नहीं देखना। मेरी बातें ध्यान से रखना। काबा की परिक्रमा के समय ये हो गया, शाह के सम्मुख उनका ही पुत्र था आ गया। इब्राहिम ने निगाह उठाकर पुत्र को देखा, दृष्टि भर कर। शिष्यों ने आश्चर्य किया, गुरु से फिर ये प्रश्न किया। गुरुदेव कृपा बरसाओ, देखने का कारण समझाओ। आपने हमको दिया था ज्ञान, हम इस बात का रखें ध्यान। बिन दाढ़ी मूछों वाला हो या कोई भी स्त्री ही हो, उनसे सदा सचेत रहना, टक टक इसे नहीं देखना। शिष्यों की ये बातें सुनकर इब्राहिम ने दिया था उत्तर। पलक छोड़ जब मैं आया था, मेरा एक पुत्र छोटा था। इसे देखकर ऐसा लगा था, यही पुत्र मेरा छोटा था। एक शिष्य फिर वहां पे पहुंचा, आपके पुत्र से जाकर पूछा। उसने रोकर वहां बताया, मैं तो यहां बलख से आया। शाह इब्राहिम मेरे पिता हैं, आपने क्या उनको देखा है। कल मैंने जिसको देखा था, वे ही पिता है मुझे लगा था। मेरे मन में डर ये हो गया, जिस कारण मैं
चुप रह गया, हमें छोड़ वे यहाँ पर आए, यहाँ से भी कहीं चले न जाए। एक शिष्य ने उन्हें बताया, आपके पास उन्हें पहुँचाया। आपकी पत्नी रोने लग गई, अपने पुत्र से कहने लग गई, बेटे तेरे पिता यही हैं, इनकी हालत कैसी हुई है। शिष्य भी फिर सब रोने लग गए, मोह के जाल में सारे फंस गए। लड़का तो बेहोश हो गया, आया होश चरणों में गिर गया। आपने पुत्र को गले लगाया, माँ बेटे को फिर समझाया, जाओ अब तुम वापिस जाओ, यहाँ न ज्यादा समय बिताओ। लेकिन वे कुछ भी न समझते, आपको नहीं छोड़ना चाहते। आपने सहायता मांगी प्रभु से, पुत्र आपका छूटा आपसे, पुत्र आपका मृत्यु ने वहां से उठा लिया। ऐसा देख शिष्यों ने आपसे प्रश्न किया, गुरुदेव हमको समझाओ, हमको सारा हाल बताओ। आपने शिष्यों को समझाया, सारा रहस्य उन्हें बतलाया। पुत्र मैंने हृदय से लगाया, मेरे मन में मोह थाया। फिर आदेश सुना था प्रभु का, प्रेम है झूठा इब्राहिम का। मेरी भक्ति का दम भरता, प्रेम दूसरों से है करता। शिष्यों को जिससे है हटाता, आप ही उसमें फंसता जाता। मैंने निवेदन किया प्रभु से, मेरी रक्षा करो मोह से। बस प्रभु ने जो कुछ किया, वो सारा ही उत्तम किया। आप वहां से उठ के चले गए, बलक के लोग रोते रह गए।